In this question, it is given that a rectangular flower garden 20 meter by 15 meter has a 3 meter wide path running in the middle. So we have to find the area of the path. सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ये मान लो ए बी सी डी स्क्वायर लॉन है और ये जो है, पहले डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं. तो ये हमारा स्क्वायर लॉन है, ये पाथ है और इसमें क्या गिवन है, इट इज 3 मीटर वाइड पाथ. तो ये जो है 3 मीटर है ये वाली लेंथ जो है, और इसमें क्या कह रहा है कि इसकी लेंथ जो है वो 20 मीटर के इक्वल है और ये वाली लेंथ जो है वो 15 मीटर के इक्वल है. इसकी लेंथ जो है वो 20 मीटर है और ब्रेथ जो है 15 मीटर है. अगर हम लोग ये देखें कि अगर इसकी लेंथ 15 मीटर है, ये मान लो ए बी सी डी रेक्टेंगुलर लॉन है और ये पॉइंट जो है वो है ई एफ जी एच और ये वाला पॉइंट है आई जे के एल और ये पॉइंट है एम एन ओ. तो हमें एरिया ऑफ द पाथ निकालना है. तो सबसे पहले एरिया ऑफ द पाथ क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा. तो ये वाली लेंथ अगर 15 मीटर है तो ये भी लेंथ जो है वो 15 मीटर के इक्वल होगी. तो अगर हम लोग निकालें एरिया ऑफ द पाथ एल के आई जे के एल, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पाथ आई जे के एल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ. तो लेंथ इसकी कितनी है, आई एल इन टू आई जे. तो आई एल की वैल्यू कितनी है, 15 के इक्वल और आई जे ब्रेथ कितना है, 3. तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई, 45 मीटर स्क्वायर. सिमिलरली अगर हम लोग इस पैथ का एरिया निकालें ई एफ जी एच का, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाली लेंथ अगर 20 मीटर है तो ये भी लेंथ जो है वो 20 मीटर के इक्वल होगी ई एफ की वैल्यू, और हमें ब्रेथ की वैल्यू पता है 3 मीटर के इक्वल है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पाथ ई एफ जी एच इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई एफ इनटू एफ जी डेट इज इक्वल टू 20 इंटू 3 और यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 मीटर स्क्वायर. और अगर हम लोग देखें एरिया ऑफ द पाथ, जब हम लोगों ने आई जे के एल निकाला था और ई एफ जी एच, इन दोनों में ये वाला एम एन ओ पी वाला इंक्लूड हो रहा है, तो एक बार इसको माइनस कर देंगे तो टोटल एरिया ऑफ द पाथ क्या हो जाएगा, टोटल क्योंकि दोनों में ये इंक्लूड हो रहा है, टोटल एरिया ऑफ, तो एक बार माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ द पाथ हमारे पास आ जाएगा. टोटल एरिया ऑफ द पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ पाथ आई जे के एल प्लस एरिया ऑफ पाथ ई एफ जी एच माइनस एरिया ऑफ पाथ एम एन ओ पी. आई जे के एल की वैल्यू कितनी है, 45 मीटर स्क्वायर प्लस ई एफ जी एच की 60 मीटर स्क्वायर माइनस ऑफ, और एम एन ओ पी का एरिया क्या हो जाएगा, ये भी 3 मीटर है ये भी 3 मीटर है, तो क्या हो जाएगा एरिया इसका साइड स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा. तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 3 का होल स्क्वायर. तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 5 105 माइनस 9, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 96 मीटर स्क्वायर. सो हमारे पास एरिया ऑफ पाथ क्या आ जाएगा, 96 मीटर स्क्वायर. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड हेयर इट इज़ मैचिंग विद ऑप्शन ए.